देखो आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशंस कैसी भी चल रही हो, इस वीडियो के बाद पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की रियलिटी बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशंस के नाम पे जो स्टूडेंट्स को डराया जाता है ना कि ये एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, स्टूडेंट्स जितना बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करते हैं ना, उतना उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया होता। मेरे लाइफ के जो टॉप हाईएस्ट परसेंटेजेस है ना, वो बोर्ड्स में आए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, दुनिया की जो सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशंस होती है ना, उसमें बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, और गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पास हो, फेल नहीं। कल मेरी बात एक स्टूडेंट से हुई जो कि भाई साहब सबसे टफ चीजें पढ़ के गए थे पेपर के लिए, लेकिन पेपर में आई सबसे इजी चीजें, इसलिए उनका पेपर खराब गया, क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं गए थे, उनको लगा था इतना इजी कौन ही पूछेगा। बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे ना, तीन चीजें याद रखो। सबसे पहली चीज कि अगर आप लोगों का पेपर खराब गया है तो आप कुछ भी कर लो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पेपर वैसा ही रहेगा। दूसरा, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर टफ सवाल कभी भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पास करवाना है और वो अपने दम पे नहीं होने वाले, तो पेपर हमेशा इजी आएगा, आप कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर भी करके गए ना, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे, आराम से, इतना ज्यादा कॉमन होता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, और जो हो गया छोड़ दो, तुम्हारा बोर्ड फर्स्ट क्लास जाएगा। अब ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट।